तो ये बात है उस समय की जब हर बारी की तरह मैं वीडियो अपलोड करके देखने बैठ गया कि ये कैसा परफॉर्म करती है, और उसने हमेशा की तरह ही परफॉर्म करा गंदा। और फिर क्या, ये देखने के बाद मैं बहुत उदास हो जाता हूँ और मैं चले जाता हूँ उसके पास, नहीं मतलब YouTube गुरुज के पास, देखने के लिए कि मैंने क्या गलती कर दी। एंड वो सारी वीडियोस देखने के बाद भी मेरे को क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब सेम ही बातें रिपीट कर रहे होते हैं। एंड देन फिर मैं वापस YouTube स्टूडियो खोल लेता हूँ और फिर मेरे को एक ऑप्शन दिखता है जिससे मैं तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देख सकता हूँ। यस, और फिर क्या, मैं देखने लग जाता हूँ और फिर मुझे क्या मिलता है वहाँ पे। तुम सबको तो सर्वाइवल सीरीज बहुत अच्छी लगती देखना, पर मैंने तो सर्वाइवल सीरीज का एक एपिसोड वैसे ही डाल रखा है, उसमें तो इतने अच्छे व्यूज नहीं आए हैं, तो प्लीज यार उसको जाके देखो जल्दी से। और फिर क्या, पूरे सर्च वाले टैब में सर्वाइवल 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 भर ही रखा है, तो सर्वाइवल सीरीज ही बनाते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने सलवार सीरीज में वापस, और मैं इसको सलवार की बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता तो जाके यार पहला एपिसोड देखो कि तो ये अपना घर जो कि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करा अपडेट, बस ये चीज़ करी है ऑफलाइन में, और कुछ भी नहीं करा, और वो अभी तक मैंने नहीं भरा है जिसकी वजह से मॉब्स वहाँ पे स्पॉन होते रहते हैं, पता नहीं कैसे पर मैंने उसको मॉब स्पॉनर बना दिया है। वेट अ सेकेंड, ये चार कैसे हुए, मैंने तो दो रखे थे। आज के मेरे गोल्स हैं बनाना एक फार्म, और फार्म बनाते बनाते मेरे को एक ऐसी जगह मिल गई जिसके लिए मुझे एक टनल बनानी पड़ी, और टनल मैंने बहुत ही अच्छी कस्टमाइज़ करी। तो लेट्स कंप्लीट आर गोल्स, और फार्म्स बनाने के लिए क्या है, वही सेम प्रोसेस है, होल डिग करा, उसमें फिर वाटर डाला, फिर सीड डाले, और बैठ गया देखने की कब तक ये उगता है। हाँ, बस इसमें मैंने वन ब्लॉक में दिखाया है, ये मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े स्केल पे, मतलब इतने भी नहीं पर बड़े स्केल पे कर रहा था। और फिर बारी आती एनिमल्स की, तो मैंने काऊ ब्रीड कराई, शीप ब्रीड कराई एंड चिकन ब्रीड कराई, और फिर उनको पकड़ के ले गया कोने में, आई मीन घर पे। एंड नाउ हमारा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं कि फार्म कैसे बना है। ओके, तो बहुत घंटों की मेहनत करने के बाद रेडी हो चुका है मेरा फार्म, और वो है ये। यस, इसमें बहुत टाइम लगा, इसका मजाक बिल्कुल मत उड़ाना। ओके, तो ये रहा मेरा फार्म, और ये बस इतना ही नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत छोटा है, लेकिन नहीं। अरे खुल जा भाई। हाँ, तो ये रहा अपना फर्स्ट टेक, और वैसे वहाँ पे वो भी है मुर्गियों का, उनको पहले दिखाई देता हूँ। यहाँ पे है चिकन जो कि एग्स दे चुकी हैं, 6 एग आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी भेड़ बकरी, यहाँ पे गाय, और ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, ज़्यादा ही ब्रीड करा दिया मैंने इनको। तो ये है फर्स्ट स्टेज, और ये है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ वीट, और ये है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ वीट। लाइक वीट पूरा खा जाऊँगा, पेट में वीट ही वीट भर लूँगा। और यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे है बीट रूट, और ये क्या है, ये भी बीट रूट ही लग रहा है। हाँ, बीट रूट, कैरेट, और यहाँ पे भी कैरेट, और यहाँ पे है दोबारा से बीट, क्योंकि और कैरेट और बीट रूट के सीड्स थे नहीं मेरे पास। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि भाई तू ये कहाँ से ले आया, ये बीट रूट और कैरेट के सीड। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक चीज़, पहले इधर से बाहर आओ, गेट खोल दो। अरे हाँ, तो ये कैरेट और बीट रूट के सीड में लाया था उधर से। हाँ, मतलब तुम भी बोल रहे हो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन यस वो चीज़ दिख रही है तुमको स्टेयर्स, अभी दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो पहाड़ है इसके डायरेक्टली उस साइड, यानी कि ये पहाड़, इसके पीछे वाली साइड है एक विलेज, जो कि मेरे को ये चीज़ बनाते बनाते ढूंढ रहा था, मैं ऐसे फिर रहा था बेसिकली, तो मिल गया। और तुम वहाँ पे देख रहे हो कि वो क्या है, तो अभी दिखाता हूँ भाई, रुको जरा सबर करो। तो इसके पीछे है विलेज, और मैंने सोचा कि उस विलेज में कैसे जाऊँ, बार बार साइड से होके तो जाऊँगा नहीं पहाड़ के, तो मैंने बना दिया है पहाड़ को खोद के बीच में एक टनल वाला रास्ता। ये देखो यहाँ पे है ये स्टेयर्स, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, कितना प्यारा लग रहा है भाई ये ऐसे। और ये यहाँ पे फ्लोरिंग देखो यार, कितने मस्त करी है, और इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा है, सही में यार बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, इसी बात पे यार लाइक तो कर दो। और यहाँ पे देखो बीच में थी एक केव, बनाते बनाते इसको खोदते खोदते यहाँ पे केव निकल आई, तो मैंने सोचा ये क्यों भरना, ये अच्छा लग रहा है ऐसे, तो मैंने साइड में फेंस कर दिया। और यहाँ पे बस अब देख लो आते जाते क्रीपर ज़ॉम्बीज़ को, और यहाँ पे मैंने गेट भी लगाया कि कभी माइनिंग करने जाना हो तो
चलेंगे एंड अभी ये पहाड़ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी फैंस गेट, एंड यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही टाइप बनाया मैंने ओपनिंग, और ये करके यहाँ पे जाता हमारा रास्ता जो कि इस प्यारी सी विलेज को जाता है। इस वाले एपिसोड में तो बस इतना ही था, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं नंगा हूँ, नहीं मतलब मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। तो सबसे पहले तो अगले एपिसोड में होगा हमारा पूरा फुल आयरन आर्मर का गोल, एंड देन यहाँ से मैं लाऊंगा दो विलेजर्स को। यस दो ही आ जाएँ, अभी तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे को पता है विलेजर्स इधर से उधर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। दो विलेजर्स को अगली वीडियो में लाना है मुझको इस टनल के थ्रू अपनी जगह पर, वहाँ पर ब्रीड करा के इसको ज़्यादा बनाएंगे, और यस फिर तो आयरन फार्म भी बन जाएगा, ट्रेडिंग हॉल भी बन जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें हो जाएंगी। बेसिकली यही करना है। एंड एक और चीज़ है अभी ये जगह, एक तुम बोल रहे हो क्या इधर क्या करना है, तो ये तुम डर्ट ब्लॉक देख रहे हो ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे पता है, और ये ब्लॉक्स मैं हटा दूंगा यस, पर ऐसे नहीं हटाऊंगा मैं। इस वीडियो पर जितनी भी लाइक्स आएंगी उतने यहाँ से ब्लॉक्स हटेंगे, जैसे कि तुमने अगर एक लाइक तो एक ब्लॉक हट गया, दो लाइक तो दो ब्लॉक हटा दूंगा, और ऐसे जितने होंगी भाई बहुत समय लग जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन तुम्हें लाइक करने में मेहनत नहीं लगेगी यार, एक लाइक करो ताकि यहाँ से ये जगह खाली हो जाए और बिल्कुल प्लेन कर दूंगा मैं। यस आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक तुम देख लो सर्वाइवल एपिसोड का पार्ट वन जो कि लेफ्ट साइड में आ रहा है, और या तुम देख लो कि मैं कैसे कैसल में फंसा एक अजीब से और पीछे बैंड की बज रहा है, इग्नोर डैट, मतलब मैं दूसरे कैसल में कैसे फंसा वो देखने के लिए राइट पे क्लिक करो, बाय।